यूके के लोग अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ब्लड और टिश्यूज डोनेट नहीं कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? स्क्रीन पर डबल टैप करके अभी इसके पीछे के रीजन को समझो। 1980 से 1996 तक यूके की गायों में मैड काउ नामक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में लाखों गायों की डेथ हुई थी। इस दौरान यूके में 6 मंथ से ज्यादा स्टे करने से और इन्फेक्टेड बीफ प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से ये बीमारी बीफ प्रोडक्ट से ही इंसानों में ट्रांसफर हो गई। इंसानों में इस बीमारी का नाम VCJD रखा गया, जो कि इन्फेक्टेड बीफ प्रोडक्ट्स के इस एबनॉर्मल प्रोटीन प्रियॉन के ट्रांसफर से फैलती है। अब ये प्रियॉन प्रोटीन आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स के सरफेस पर रहकर प्रोटीन को ऐसे ऑल्टर करते हैं। ये ऑल्टर्ड प्रोटीन आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज को डैमेज करते हैं। ब्रेन सेल्स और टिश्यूज डैमेज होने से इन्फेक्टेड पर्सन में ब्लरी विजन और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आती है और वो कोमा में चला जाता है। फिर कुछ ही दिनों में इसकी डेथ हो जाती है। इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट ना मिल पाने से और ब्लड फ्लूड और टिश्यूज के थ्रू एक से दूसरे इंसान में फैलने के डर से कुछ कंट्रीज ने सिर्फ थ्योरेटिकली 1980 से 1996 तक यूके में रहे लोगों के ब्लड और टिश्यूज डोनेशन पर रोक लगाई हुई है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।